जानिए श्रावण अमावस्या कब है? इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से आपको धार्मिक और ज्योतिष से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां, ज्योतिषीय टिप्स एवं ज्योतिष से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करते रहें। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि श्रावण अमावस्या कब है, इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या उपाय करें। सावन अमावस्या शिव पूजा और स्नान दान के इस माह का सबसे खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा पाठ पितरों को प्रसन्नता दिलाती है। जाने सावन अमावस्या की डेट। श्रावण अमावस्या के दिन पितरों एवं पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण और पूजन आदि अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं। इस साल सावन अमावस्या 4 अगस्त 2024 को है। सावन अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 दोपहर 3:50 पर शुरू होगी और 4 अगस्त 2024 को शाम 4:42 पर इसकी समाप्ति होगी। सावन अमावस्या के दिन तीर्थ स्थल पर गंगा नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। कहते हैं अमावस्या पर नदी या गंगा जल पानी में डालकर स्नान करने से रोग दोष खत्म होते हैं, अमृत की प्राप्ति होती है। सावन अमावस्या पर पीपल और तुलसी की पूजा खास मानी गई है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी का वास माना गया है। सावन अमावस्या पर पीपल के पेड़ में दूध अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सावन अमावस्या पर शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, फिर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जल अभिषेक करें। कहते हैं इससे शिव और शक्ति दोनों के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त होता है। सावन अमावस्या पर मंदिर में पीपल, बरगद या फिर घर में बेलपत्र या तुलसी आंवले का वृक्ष लगाएं। इससे नौकरी में तरक्की और धन में वृद्धि होती है। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि सावन अमावस्या कब है, इस दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिल सके। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं सोनिया भाटिया अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों।